friends, I am Anushree Kansal and welcome to my channel Kansal Creations. Today we will learn that how to make a simple circuit which is very useful for students in school. Hum circuit waisa hi banayenge as shown in the diagram. Iske liye hame parts hi honge, cardboard jise maine cover kar liya colored paper se, battery, connector, bulb, a mini bulb and switch aur ek wire. Battery ko maine isme fix kar liya hai wire se और इसे कनेक्टर से जॉइन कर दिया है. कनेक्टर में जो दो वायर्स निकल रही होती है, ब्लैक वायर रेड वायर, उसे बल्ब और स्विच से कनेक्ट कर दिया है. बल्ब और स्विच को भी हम आपस में कनेक्ट करेंगे सो दैट सर्किट हमारा पूरा हो सके. एक्चुअली सर्किट में जब हम इसे ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो करता है. बट हाउ? बैटरी में से करंट निकलता है जो पूरे सर्किट में फ्लो होता है और अगर ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो बल्ब जलता है, जिस तरीके से एरो में मैंने ये करंट पास करने का डायरेक्शन दिखा रखी है. जब हम सर्किट को ऑफ करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं, तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है क्योंकि सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाता है. इसके बाद इसको हम लेबल कर देंगे. सर्किट, बल्ब और बैटरी को अच्छे से फिक्स कर दिया है और अब वायर को भी फिक्स करने के लिए इसे टेप से पेस्ट कर दिया है. इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो गया है. अभी ये ऑफ पोजीशन में है क्योंकि सर्किट क्लोज है. मैं इसे ऑन करूँगी तो बल्ब जल जाएगा, जैसे कि मैंने डायग्राम में भी दिखा रखा है. एंड दिस वी कैन मेक अ सर्किट. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये सर्किट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा. थैंक यू.